हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अमृता किचन विद फन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट केक रेसिपी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप शुगर पाउडर, उसमें हमने ऐड किया है 1/4 कप ऑयल। तो चलिए इसे फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें गुठले बिल्कुल भी ना पड़े। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3 कप मैदा। मैदा बिल्कुल छान लीजिए, एकदम बारीक होना चाहिए। अब हम उसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क यहाँ पर अभी हमने 1 कप लिया है। अगर आप चाहें, आपका पेस्ट गाढ़ा हो रहा है, तो आप इसमें और मिल्क ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर 1/2 कप दूध और लिया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जो है वेनिला, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए, तो अब हम अपनी तपेली तैयार कर लेते हैं। उसमें हमें लगाना है घी। घी से बिल्कुल तपेली एकदम ग्रीस कर देना है, चिकनी कर देना है, जिससे हमारा केक इसमें बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 पाउच ईनो। ईनो की एक जो पाउच आती है पूरी, हमें इसमें ऐड करना है, उसे अच्छे से मिला देना है। ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथों से मिलाना ही है। चलिए, तो इसे हम शिफ्ट कर देते हैं अपनी तपेली में। तो देखिए, आप देख ही रहे होंगे मैंने कितना क्रीमी पेस्ट बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर तो बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपका जो केक बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिनकी हमने अच्छी सी पतली पतली कटिंग करी है, और उसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा मैदा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे ना बैठेंगे और ऊपर ही रहेंगे। तो चलिए, ये हमने सब अपने तैयार कर लिया है। तो इसे हम पहले से ही जो प्रीहीट है हमारी तपेली, उसमें हम रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रख देंगे हम स्टैंड, और उसमें हम रख देंगे अपनी केक वाली तपेली, और इसे छोड़ देते हैं 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल लो हो, नहीं तो आपका केक जल सकता है। तो हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं 40 से 45 मिनट, तो देखिए केक बिल्कुल बनकर तैयार है। ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो इससे पहले ध्यान रखिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका हमारा वही पुराना है, जो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। तो चलिए, हमने अपना जो केक है निकाल लिया है, और इसके ऊपर से जो हम है स्प्रिंकल्स, जो कलरफुल है, आप चाहें तो एक कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डेयरी मिल्क डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ऊपर से आप इस